हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडिया लार्जेस्ट नेट प्लेटफॉर्म एकेडमी एम ऑडिबल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट टेक प्लेटफॉर्म अकेडमी, दिस इज शकील पठान। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट नेट प्लेटफॉर्म अकेडमी, दिस शकील पठान। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक वीडियो मेरा पोस्ट कर रहा है ना। सो वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट नेट प्लेटफॉर्म अकेडमी, दिस शकील पठान। ओके, इट इज माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज मोहम्मद शकील पठान। आई एम हैविंग 8 प्लस ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटर मोर देन 100,000 स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। दिस इज ओनली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट। वर्क एज सीनियर फैकल्टी फॉर मैनी रेप्यूटेड स्कूल अक्रॉस इंडिया। ओके, सो अभी तक आपने अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज डाउनलोड इस ऐप। जैसे इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो अनअकैडमी की जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, वो सब आप एक्सेस कर पाएंगे। अनअकैडमी की जितने भी आप क्विज सेशन है वो सब आप यहाँ पर ले पाएंगे। अनअकैडमी पर आपके पास टू टाइप का सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकोनिक। प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंग्लिश हिंदी बैचेस, रैंक रूम बैचेस। आइकोनिक में आपको पर्सनल कोच, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, स्टडी प्लानर दिया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है आपको, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, स्टडी बूस्टर सेशन आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 मंथ का प्लान पड़ता है आपको 29,205 आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो उसके लिए आपको पठान कोड अप्लाई करना है टू गेट अ 10% डिस्काउंट। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 45,225 विद 10% डिस्काउंट। तो इसके लिए आपको पठान कोड अप्लाई करना है। अनअकैडमी द आस्क अ डाउट सेशन में आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो और यू विल गेट अ वीडियो क्वालिटी सोल्यूशन इन वाट एवर लैंग्वेज यू प्रीफर। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट जो है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन गेमिफाइड कॉन्टेस्ट है जो कि 60 मिनट का होता है। इसको आप एस कर सकते हो। अक्टूबर 31 को होने वाला है, स्टार्ट 11 बजे होगा। तो ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको आप देखिए अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीत सकते हो। जो नए बैचेस है आरोहण और न्यू बैच जो है हमारे पास रैंक रूम बैच, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो 27 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग राजीव सर स्टार्ट कर रहे हैं तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट पंप्स। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस, लास्ट क्लास में हम लोग पंप के बारे में बात कर रहे थे और पंप पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गेट। गेट में पंप से किस तरह का क्वेश्चन आता है उस पर बात करेंगे। तो ये गेट 2019 का क्वेश्चन है फ्रॉम द पंप। ठीक है, आई होप यू कैन सी द क्वेश्चन। ए आइडलेस सेंट्रीफ्यूगल पंप ब्लेड आउटलेट रेडियस ऑफ 50 mm कंज्यूम 2 kW पावर वाइल रनिंग एट 300 rpm। द एंट्री ऑफ लिक्विड इन द पंप इज एक्सियल एंड एग्जिट फ्रॉम द पंप इज रेडियल विद रेस्पेक्ट टू इंपीलर। इफ द लॉसेज आर नेग्लेक्ट देन मास फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड थ्रू द पंप इज। ओके, सो दिस इज अवर। गुड इवनिंग चंद्र कुमार, गुड इवनिंग सत्येंद्र, गुड इवनिंग देव। दिस इज अवर क्वेश्चन फ्रॉम द गेट 2019। So try to solve this question.
सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Try to solve the question. एक साइंटिफिकल पंप दे रखा है आपको, के 2019 का क्वेश्चन है। ऑन द साइंटिफिकल पंप कंज्यूम 2 किलोवाट पावर वाइल रनिंग एट 3000 आरपीएम। द एंट्री ऑफ द लिक्विड इन टू द पंप इज एक्सियल एंड एग्जिट फ्रॉम द पंप इज रेडियल विद रेस्पेक्ट टू द इंपीलर। इफ द लॉसेज आर नेग्लेक्ट द मास फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड थ्रू द पंप इज। क्या वो बच्चा लोगों नहीं हो रहा है? चंदन देव सत्येंद्र, आर यू ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट? बिकॉज इन द टुडे क्लासेस वी विल गोइंग थ्रू सम। पहले हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिकल पंप पे जो बच्चे के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, पंप इन सीरीज एंड पैरेलल कंप्लीट करेंगे, फिर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पंप के, और उसके बाद वी विल स्टार्ट द कैविटेशन। कि कैविटेशन क्या होता है, हाउ वी वैन प्रिवेंट कर द कैविटेशन, और कुछ क्वेश्चन जो है वो कैविटेशन पर यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो उसके अलावा हम लोग वी ऑल्सो डिस्कस अ ड्राफ्ट 8.1 किसका आया, सत्येंद्र का आया। वेरी गुड सत्येंद्र, 8.1 इज द राइट आंसर। यस, 8.1 किलोग्राम पर सेकेंड इज द राइट आंसर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखिए कहानी क्या होती है, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं पंप की, और पंप में लिखा हुआ है कि पंप के इनलेट क्या है, एक्सियल है, और एग्जिट क्या हो रहा है, रेडियल अगर एग्जिट हो रहा है। इसका मतलब जब वेलोसिटी ट्रायंगल आप बनाओगे फॉर पंप, तो आपको याद है पंप में हम लोग जनरली बैकवर्ड कर्व ब्लेड यूज करते हैं, तो कर्व ब्लेड्स ऐसे होती है आपकी, ठीक है। सो इन केस ऑफ पंप अगर आप वेलोसिटी ट्रायंगल बनाओगे तो इनलेट पर तो वैसे ही बनेगा जो हम बनाते थे, क्योंकि इनलेट पर पहले भी एक्सियल होता है, अभी भी एक्सियल है। तो ये आपकी u1 वेलोसिटी होगी, ये v1 वेलोसिटी होगी, और ब्लेड प्रोफाइल के टेंजेंट ये vr1 वेलोसिटी होगी। दैट मींस इनलेट पर क्या है, एक्सियल है। लेकिन जब यहां से बाहर निकलेगा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से निकलेगा, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर एक्सियल पे वो रेडियल कह रहा है तो इसका मतलब जो v2 होगा ये आपका क्या हो गया, सॉरी, एक्सियल पर अगर वो रेडियल कह रहा है तो रेडियल का मतलब ये होगा, यहां पर वो रफ करने का बार नहीं आ रहा क्या, कहां गया भाई, हाँ, 2 मिनट, ब्लेड को मैं वापस से बना रहा हूं। मैं वापस से इसको डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं।
बेसिकली ब्लेड रेडियल का मतलब ऐसा होता है, वैसे अगर मैं आपको यहां से शो करूं, मतलब एग्जिट पर जो एंगल होगा वो बिल्कुल आपका रेडियस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एग्जिट पर जो VR2 होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और अगर आपकी टरबाइन की ब्लेड ऐसे मूव कर रही है तो ये आपका U2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है रेडियल एट एग्जिट, ये होता है रेडियल एट एग्जिट। तो रेडियल एट एग्जिट का मतलब ये होता है, कहानी ये है, ठीक है। सो जब रेडियल एट एग्जिट होता है तब आपका VW2 किसके बराबर हो जाएगा, U2 के बराबर हो जाएगा। VW2 क्या हो जाएगा, U2 के बराबर। एक्सियल एट इनलेट तो वैसे ही है। अब पावर आउटपुट का जो फॉर्मूला आप लिखते हो, दैट इज एम डॉट VW2 U2 फॉर पंप, क्योंकि VW1 क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि अगर एक्चुअली इन हो रहा है तो VW2 क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं। तो भैया पावर का फॉर्मूला अगर ये है तो एम डॉट VW2 इज इक्वल टू U2, तो यहां पर U2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एम डॉट क्या होता है, मास फ्लो रेट, तो इसको डेंसिटी इंटू क्यू डिस्चार्ज के टर्म में भी लिखा जा सकता है। अब पंप में कितना पावर डेवलप हो रहा है, आइडलैस सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितना पावर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब सभी लॉसेस को नेगलेक्ट कर लिया जाए, तो जो पावर है वही आपका पावर डेवलप है, 2 की पावर 10 की पावर 3 ये आपका होगा। वाटर आप पंप कर रहे हो तो डेंसिटी कितनी होगी, 1000, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, मास फ्लो रेट पूछा है, तो आप डेंसिटी को लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप तो मास फ्लो रेट दीजिए यहां से, U2 स्क्वायर। तो अगर मुझे U2 मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। अब U2 क्या होता है, इट इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, उसका फॉर्मूला होगा पाई D2N/60। अब क्वेश्चन में आपको इनलेट रेडियस और आउटलेट रेडियस दे रखा होगा, ठीक है। द एंट्री ऑफ द लिक्विड इन पंप इज एक्सियल एंड एक्सिट रेडियल एंड इंपेलर इफ द लॉसेस आर, तो आउटर रेडियस आपको कितना दे रखा है, 50 mm, तो डायमीटर कितना हो गया आपका, 100 mm, 100 mm है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, तो 3.1, और डायमीटर हो जाएगा 0.1 मीटर, और आरपीएम आपको 300 दे रखा है अपॉन 60। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, U2 निकल आएगा। U2 की वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो 15.708 समथिंग आ रही है, 15.708 ये आपकी U2 की वेलोसिटी आ जाएगी। अब इस U2 को हम रखेंगे तो एम डॉट अपॉन 2 × 10³ अपॉन U2 का स्क्वायर, 15.708 का स्क्वायर अपॉन कर देंगे तो यू विल गेट द मास फ्लो रेट, जो एक बच्चे ने निकाल लिया है 8.1। क्लियर है यहां तक? सो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके, आई थिंक इज दैट क्लियर टू यू? अरे बच्चा लोग, वो इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? सो जब भी हमको बोल रहा है रेडियल एट आउटलेट, तो हमेशा याद रखना VW2 किसके बराबर होता है, U2 के बराबर होता है। VW2 हमेशा किसके बराबर होता है, U2 के बराबर होता है। तो जब भी ये बोले रेडियल एट आउटलेट, तो ऑलवेज टेक द VW2 इज इक्वल टू U2, ठीक है। हमेशा लेना है VW2 किसके बराबर हो जाएगा, U2 के बराबर हो जाएगा। बच्चा लोगों, यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही है? अरे यस और नो तो कर दो एटलीस्ट। ओके, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहां तक क्लियर है आपको? सो केवल और केवल क्वेश्चन में ये कंसेप्ट था कि भैया देखो यहां पर VW2 किसके बराबर हो जाएगा, U2, और इजिली मास फ्लो रेट निकल आएगा, पावर आपको दे रखा है, लॉसेस को नेगलेक्ट करने के लिए उसने कहा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेंट्रिफ्यूगल पंप ऑल्सो, तो सेंट्रिफ्यूगल पंप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेंट्रिफ्यूगल पंप इज टू डिस्चार्ज 0.118 m³/s एट ए स्पीड ऑफ 1450 rpm अगेंस्ट अ हेड ऑफ 25 m। द इंपीलर डायमीटर इज 250 mm, इट्स विड्थ एट द आउटलेट इज 50 mm, एंड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 75%। डिटरमाइन द एंगल एट द पेरिफेरी ऑफ द व्हील, व्हेन एंगल पेरिफेरी ऑफ द व्हील, इसका मतलब क्या पूछा है आपको, अल्फा पूछा। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, गिवन डाटा है क्यू हमको दे रखा है डिस्चार्ज 0.118 m³, ठीक है।
हमको स्पीड दे रखी है कितनी है, 1450 आरपीएम। हमको मैनोमेट्रिक हेड दे रखा है, दिस इज 25 मीटर, ठीक है। इंपीलर डायमीटर इज 50 mm, तो आउटलेट का डायमीटर भी दे रखा है हमको D2, आउटलेट का डायमीटर भी दे रखा है हमको D2, D2 कितना दे रखा है, 250 mm। विड्थ भी आउटलेट पे दे रखा है कितना, 50 mm। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी आपको दे रखा है यहां पर कितना, 75%। आपको केवल केवल क्या निकालना है, अल्फा 2 निकालना है। करिए क्वेश्चन को, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द अल्फा 2 ओनली। अल्फा 2 क्या होगा ये आपको पता करना है। यार इसमें पेज ऐड करने का नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। आई शुड एज द पेज, 2 सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, अब ठीक है, बताइए क्या होगा। सो अ सेंट्रिफ्यूगल पंप इज डिस्चार्ज 0.18 m³। आपको अल्फा 2 बताना है बस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अल्फा 2, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द अल्फा 2। कर ही रहे हैं बेटा खेला। क्या होगा भाई,
आंसर बताओ इसका। फिफ्टी 9.61 इज अ करेक्ट आंसर। एक्सीलेंट सत्येंद्र, एक्सीलेंट। मेरे को लग रहा है भैया इस बार तुम बहुत अच्छी रैंक लाओगे यार, बहुत बहुत शानदार रैंक आएगी अगर तुमने ढंग से। हाँ मैं स्वरूप अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, है ना स्वरूप। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, इसलिए मैंने 10 2 पेज ऐड किए हैं ना। सो गड़दा मचा दिया भाई। रोशन सतेंद्र, रोशन बेटा तुम्हारा गलत है, थोड़ा सा इसको देखो। चलिए मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो अपन को वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है। वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने से सबसे पहली बात ये होती है कन्फ्यूजन नहीं होता है। और आपको पता है कि यार सेंट्रीफ्यूगल पंप में नॉर्मली तो बैकवर्ड ब्लेड होती है। अगर अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है कि भैया रेडियल एट आउटलेट है, तो मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल आपको मॉडिफाई करके बताया, बस ये चेंज होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियल एट आउटलेट है, अगर नहीं दे रखा तो आपको पता है कि भैया देखो यहां से आपका फ्लूड आके टकराएगा, ये आपकी वी टू वेलोसिटी होगी, इस प्रोफाइल के टेंजेंट जो वेलोसिटी होगी वे वी आर सॉरी वी आर वी वन होगी, ये वी आर वन होगी, और इनको मिलाती हुई लाइन ये होगी आपकी यू वन, ये आपकी यू वन, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये हो जाएगा, यस सटेंडर गेगर पार्टी करेंगे अगर इसका रैंक आ गया तो। सो ये हो जाएगा वी आर वन। अब यहां से आपका टेंजेंशियली जो वेलोसिटी निकलेगा दैट इज वी आर टू, और आपका जो ब्लेड मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से कर रहा है, इट इज मूविंग विथ यू टू वेलोसिटी, और इसको मिलाने वाली रेखा क्या होगी आपकी वी टू होगी। वी टू के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम वी डब्ल्यू टू कहेंगे जो कि यहां तक होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम वी एफ टू कहते हैं, ये बचपन से हम जानते हैं। वी आर वन से बनने वाला एंगल बीटा वन, क्योंकि ये ब्लेड के प्रोफाइल के टेंजेंट होता है, तो ये बीटा वन हो गया, और ये अल्फा वन हो गया 90 डिग्री। वी टू से बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा टू, और वी आर टू से बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा टू हो जाएगा। दिस इज अवर वेलोसिटी ट्राइंगल, पहली बात तो हमें ये पता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा टू निकालना है। तो एक बार बताओ अल्फा टू मुझे कब निकल सकता है, अगर मैं टेन अल्फा टू करूं, सो टेन अल्फा टू मुझे तब निकल सकता है जब मुझे वी एफ टू पता हो और मुझे वी डब्ल्यू पता हो, या सुनो अगर ट्राइंगल को भी देखो आप, तो ट्राइंगल में आप ये देखो कि अल्फा टू कब निकलेगा, जब मुझे वी डब्ल्यू टू पता है और वी एफ टू पता है, तो मैं अल्फा टू इजिली निकाल सकता हूं, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट आउटलेट निकाल सकता हूं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव होगा इस वी एफ टू और वी डब्ल्यू टू को फाइंड आउट करना। अब इस वी एफ टू और वी डब्ल्यू टू को कैसे फाइंड आउट करूंगा, इट इज अवर मेन गोल। अब क्वेश्चन में गिवन डाटा से तुम्हें सोच रहा है कि यार इस फ्लो वेलोसिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई, देखो डिस्चार्ज दे रखा है तो कहीं ना कहीं तो डिस्चार्ज का मतलब होगा ना, कोई रिलेशन आ रहा होगा, तो डिस्चार्ज दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि सर इन केस ऑफ पंप, सर ने लिखा था फॉर्मूला कि डिस्चार्ज इक्वल टू होता है पाई डी वन बी वन वी एफ वन, बिकॉज रेडियली आउट होता है, दिस इज द डिस्चार्ज फॉर्मूला। डिस्चार्ज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.118 पाई 3.14 है। अब अगर हमें आउटलेट वेलोसिटी चाहिए तो ये आउटलेट डायमीटर, आउटलेट विड्थ और आउटलेट फ्लो वेलोसिटी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है पाई डी वन बी वन वी एफ वन और इक्वल टू पाई डी टू बी टू वी एफ टू, बोथ आर सेम। सो मुझे तो वी एफ टू चाहिए। अब देखते हैं डी टू पता है क्या अपन को, अरे पता है। बी टू पता है क्या अपन को, पता है, तो अपन को वी एफ टू मिल जाएगा यहां से। डी टू कितना है, 250 mm, इसको मीटर में बदल लीजिए। बी टू कितना है, बी टू हमको दे रखा है क्वेश्चन में 50 mm, कितना हो गया 0.05। तो यहां पर एक ही अननोन है दैट इज वी एफ टू, तो वी एफ टू की जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी हमारे पास, कितनी आ रही बताना मुझे, कितना आ रहा है वी एफ टू, कितना आ रहा है यहां से बताओ मुझे, वी एफ टू कितना आ रहा है, कितनी आएगी वी एफ टू की वैल्यू बताओ मुझे, कितनी आएगी वी एफ टू, इसको अपॉन कर दो 0.118 अपॉन 3.14 0.25 0.05 कितना आ रहा है, आई थिंक ये 3 मीटर पर सेकेंड आएगा, चेक कर लेना, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो एक पार्ट तो आ गया हमें,
एक पार्ट तो हमारा हो गया ना, VF2 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, VW2 आना है। यस वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है, VW2 निकालना। अब VW2 के लिए सोचेंगे कि यार कुछ ना कुछ तो यहां पर दे रखा होगा। तो देखिए यहां पर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है। अब मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये होना चाहिए जी एम मैनोमेट्रिक हेड अपॉन VW2 U2, यही फॉर्मूला होता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का भाई। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। यू शुड नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ये हमारे पास फॉर्मूला है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का। सो ये मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया हमने, जी एच मैनोमेट्रिक अपॉन VW2 U2। अब हम देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या पता है, और इस जो पता है क्या मैं उससे VW2 निकाल सकता हूं। पहली बात तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी पता है, ठीक है ये हो गया। जी निकालने के जी 9.81 होता है। मैनोमेट्रिक हेड अरे दे रखा है क्वेश्चन में 25, ओहो ये भी पता है मुझे तो। U2 क्या होता है, पाई D2 N/16। तो मेरे को बायोट्रो डायमीटर भी दे रखा है, मुझे आरपीएम भी दे रखा है, तो काम खत्म। VW2 निकालना है, हो गया काम, हो गया खेल। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल दो 0.75। जी 9.81, मैनोमेट्रिक हेड कितना दे रखा है 25, और यहां पर है VW2 U2। और भाई साहब U2 इक्वल टू होता है हमारे पास पाई D2 N/16। पाई 3.1 होगा, डायमीटर आउटर डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 250 mm, तो कितना हो जाएगा 0.25। और रोटेशनल आरपीएम टर्बाइन हमें दिया हुआ है 1450 अपॉन 60 करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा U2। ठीक है, तो U2 की वैल्यू आपने निकाल ली होगी, 18.98 आएगा। दिस विल बी योर U2। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो 0.75 इक्वल टू 9.81 इंटू 25 अपॉन VW2 इंटू 18.98। तो बचा कितना VW2, तो VW2 की वैल्यू अब यहां से आ जाएगी, तो 9.81 इंटू 25 अपॉन 0.75 इंटू 18.98। तो यहां से VW2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो सॉल्व करोगे तो 17.23 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी VW2 की वैल्यू आ गई। आ गया कहानी, ठीक है। अब VW2 की वैल्यू आ गई, VF2 की वैल्यू आ गई, तो भाई tan अल्फा 2 निकालना कौन सा भारी है। tan अल्फा 2 तो सर ने बोला ही था ना कि VF2 अपॉन VW2 हो जाएगा। VF2 हमारे पास है ऑलरेडी, कितना है 3 मीटर पर सेकंड, और ये 17.23, तो इससे अल्फा 2 की वैल्यू निकल जाएगी और वो आ रहा है 59.78 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो दिस विल बी 59.7 डिग्री विल बी द आंसर। ओके, सो आई होप इज दैट ओके टू यू, चीजें समझ में आ रही है आपको। तो देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप सेंट्रिफ्यूगल पंप हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चन सॉल्व करें, पहला स्टेप आपको ये करना है कि गिवन डाटा लिख लो, जो दिखा हुआ है वो लिखो और जो पूछा हुआ है वो लिख लो, और जो पूछा हुआ है उसको तुम कैसे निकाल सकते हो वो माइंड में पिक्चर मैप बनाओ, तो फिर तुम कंफ्यूज नहीं होगे, फिर तुम ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना गिवन डाटा लिखे हुए जो निकालना है वो उसको सोचे सारी चीजें निकालने बैठते हैं, फिर क्या होगा, तुम क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चन के अंदर, आप सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी गिवन डाटा दिया हुआ है उस गिवन डाटा को आप एज इट इज लिख लो, और जब लिख लो तो जो पूछा हुआ है उसको सोचो कि इस डाटा से कैसे मैं निकाल सकता हूं, क्या क्या चीजें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी वजह से मैं कैसे इसको निकाल सकता हूं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, जिससे और ज्यादा चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और फिर फाइनली द पंप सेक्शन विल बी ओवर। सो अरे यहां भैया यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन,
एनीबडी हैज एनी डाउट, कोई बच्चा पूछ रहा था सर डिटेल में समझाओ, एनीबडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड इट, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पूछो। ये सब मैंने अभी पढ़ाया था अब सुबह वाले लेक्चर में, सब कुछ पढ़ाया ये फॉर्मूला मैंने, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत पूछिए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, बट आस्क। देखो यहां तुम्हारा शक्ल नहीं दिख रहा है, आप पूछिए, लेकिन तो आप पूछ सकते हैं ना यार, अपना कमेंट बॉक्स में तो कमेंट तो पूछ ही सकते हैं, क्या दिक्कत थोड़ी है। चलो सो मैं मान के चल रहा हूं सभी को समझ में आ रहा है, सभी को अंडरस्टैंड हो रहा है, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम दो तीन चीजें तो आप लोग खुद निकाल के बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप रनिंग एट 800 आरपीएम। नहीं बेटा वो एक्चुअली कल का लेक्चर था, तो वो कल का लेक्चर शिफ्ट हुआ था, कल का लेक्चर शिफ्ट हुआ था, कोई बात नहीं, वो आप लोग देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकना, पूछ लेना। साइंटिफिकल पंप रनिंग एट 800 आरपीएम, वो मुझे कल लेना था, बट मैं कल बहुत ज़्यादा थक गया था बॉस, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो मैंने फिर बाद में शिफ्ट किया था उसको सुबह के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइंटिफिकल पंप रनिंग एट 800 आरपीएम इज वर्किंग अगेंस्ट द टोटल हेड ऑफ 20.2 मीटर, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ इंपीलर इज 480 mm and outlet width is 60 mm. The vane angle at outlet is 40 degree and manometric efficiency is 70% determined. So यहां पर सबसे पहले अपन को क्या करना है, given क्या है। So given data अपन को दे रखा है and RPM आपको दे रखा 800 RPM. Total head हमको दे रखा है, टोटल हेड का मतलब होता है मैनोमेट्रिक हेड जो हम डेवलप करेंगे 20.2। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द इंपीलर आपको दे रखा है D2। अब मैं ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि देखो बहुत सारे एग्जाम में पंप से कन्वेंशनल क्वेश्चन काफी आते हैं, जैसे SSC JEE मेंस में आप देखोगे बहुत क्वेश्चन पंप से आते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है, और कई बार बच्चे इसी की वजह से डाउट में आ जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। B2 आपको दे रखा आउटलेट विथ 60 mm, वेन एंगल एट आउटलेट इसका मतलब क्या दे रखा है हमको, अल्फा 2 दे रखा या बीटा 2 दे रखा, ये बीटा 2 है, वेन एंगल मतलब बीटा 2। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमको दे रखी है 70%, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट पूछा है, फिर आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द वेन, एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट विद द डी एक्सेलरेशन ऑफ मोशन एट आउटलेट, या डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट आउटलेट, ठीक है, एंड रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पंप, क्या क्या पूछा है वो आपको देखिए। तो गिवन ये है और ये पूछा है आपको, फाइंड क्या करना है आपको, फ्लो वेलोसिटी दैट इज VF2, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द वेन दैट इज V2, एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट इसका मतलब अल्फा 2, और फाइनली डी यू हैव टू मेजर द डिस्चार्ज। करिए क्वेश्चन,
बफरिंग कर रहा है क्या? वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या? कैन यू टेल मी एनीबडी? वी एफ टू निकाला है 2.5, कितना है वी एफ टू निकाला तुमने? नो बेटा, इट इज रॉन्ग। वी एफ टू गलत है। ध्यान से ध्यान से, फाइव पॉइंट जीरो फाइव इज द राइट आंसर। वी एफ टू विल बी अ 5.05 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, इट इज द राइट आंसर। एक्सेलेंट। करूं मैं इसको फिर? शुड आई सॉल्व? या आप लोग अभी सॉल्व कर रहे हो? रोशन, जतिन, सतेंद्र, वेरी गुड रोशन। Should I have to solve this question? चलिए, ओके। सो देखिए, कहानी बस यही है, सेम वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा। सो आप बार बार इधर अब दोनों वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें आउटलेट के लिए पूछी है, तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल तुम्हें पता होना चाहिए।
यहां से रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकलेगा वी आर टू, ये आपका यू टू होता है और इसको मिलाने वाली लाइन क्या होती है हमारी वी टू होती है। वी टू का एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो वी डब्ल्यू टू कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को वी एफ टू कहते हैं। वी टू का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल अल्फा टू और इसको हम लोग बीटा टू नाम देते हैं। अब देखिए ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ इसको मान लो अपन एक्स कहते हैं, जो ठीक है v2 टू इक्वल टू ये हमारे पास आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, इसमें किसी को दिक्कत? तो अपन ने क्या कहा u2 टू माइनस वी डब्ल्यू टू इज ए नथिंग बट इज x, हमने इसको x लेंथ नाम दे दिया। अब मुझे तो क्या निकालना था, मुझे निकालना है फ्लो वेलोसिटी और मुझे एक एंगल पता है दैट इज बीटा टू, वो क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री। सो अपन क्या कर सकते हैं, v एब्सोल्यूट कितना आ रहा है 17.63, नो बेटा 17.63 इज नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी, नहीं 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 14.96 आएगा। ठीक है, अब देखो अपन को x, देखो पहले हमको रूपरेखा बनानी पड़ती है ना, तो वो डायलॉग याद है ना आपको, भाई आई टेन हमेशा सॉल्व करने के लिए पेन उठाते हैं, तो बेसिकली वही कहानी है। पहले आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी कि भाई आपको निकालना क्या, आपको निकालना है फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, सो बेसिकली हम यहां से बीटा टू हमें पता है, सो क्या मैं टेन बीटा टू इक्वल टू कर सकता हूं वी एफ टू अपॉन एक्स। अब एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज नथिंग बट यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू, और ये मैं किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बीटा टू पता है, जो क्योंकि मुझे बीटा टू पता है, मैंने डाटा लिखा हुआ है, मुझे बीटा टू पता है, इसलिए मैं ऐसा रिलेशन लिख रहा हूं फ्रॉम द ट्राइंगल इट सेल्फ। अब इसमें से हमको वी एफ टू अननोन है। अब देखिए बाकी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, कि पहली बात होती है यू टू की, दैट इज आउटलेट वेलोसिटी, तो उसके लिए डायमीटर दे रखा है, आपको स्पीड दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो यू टू आ जाएगा। यू टू कितना आ जाएगा, पाई डी टू एन अपॉन 60, 3.14, डायमीटर आपको दे रखा है 0.48, यहां पर 480 mm दे रखा है, तो मीटर में 0.48, और स्पीड आपको 800 rpm दे रखी, तो इससे आपका ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट निकल गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी 20.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, पहली कहानी तो ये हो गई। वी एफ टू निकालना है, बीटा टू ऑलरेडी पता है, अगर वी डब्ल्यू टू भी पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और सर अभी आपने मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी से हमें वी डब्ल्यू टू निकालना सिखाया था, कि सर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, जी मैनो अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमें क्वेश्चन में दे रखी कितनी, 70%, जी 9.81 होता है। मैनोमेट्रिक हेड भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 20.2, यहां पर लिखेंगे 20.2। वी डब्ल्यू टू हमें नहीं पता, बट हमें यू टू पता है, जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली कोरी कोरी। हाँ बेटा जो भी डाउट हो पूछो, जो भी डाउट हो पूछो, बस पर्सनल नहीं होना चाहिए। वी डब्ल्यू टू, तो वी डब्ल्यू टू की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9.81 इंटू 20.2, वी डब्ल्यू टू जो है 0.7 अपॉन कर देंगे, तो यहां से 14.08 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। वी डब्ल्यू टू विल बी 14.08 मीटर पर सेकेंड, तो दिक्कत। सो वी डब्ल्यू टू भी आ गया अब हमारे पास, यू टू भी हमारे पास है, बीटा टू भी हमारे पास है, तो अब इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, टेन बीटा टू कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू,
कितना है वी एफ टू, वी एफ टू एज इट इज लिख दिया। यू टू, यू टू हमारे पास 20.1 है, माइनस माइनस का हमारे पास कितना है वी डब्ल्यू टू, दैट इज 14.08। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, वी एफ टू आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, एक ही अननोन है वी एफ टू, 5.05 मीटर पर सेकेंड। रोशन ने बिल्कुल सही आंसर निकाला था, दिस इज अ वी एफ टू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सीलेंट बेटा। जिस बच्चों ने निकाल लिया है एक्सीलेंट, तो इसका मतलब आप समझ गए हो कि कैसे हम लोग मूव करते हैं इन केस ऑफ टर्बाइन और पंप। तो वी एफ टू आ गया 5.05 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब दूसरी पॉइंट हमें यह है कि यार एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल ली। अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी भैया, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, वी टू इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ, वी टू इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ वी डब्ल्यू टू। ये एक ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल है ये, एक ट्राइंगल है ये, वी टू साइड है ये, वी डब्ल्यू टू साइड है ये, वी एफ टू साइड। तो वी टू क्या होगा, वी टू होगा आपका वी डब्ल्यू टू का स्क्वायर प्लस वी एफ टू का स्क्वायर। वी डब्ल्यू टू हम निकाल चुके हैं, सॉरी वी एफ टू हम निकाल चुके हैं, वी डब्ल्यू टू भी हम निकाल चुके हैं 14.08। सो 14.08 का स्क्वायर और वी एफ टू कितना है 5.05 का स्क्वायर करोगे तो इससे क्या आ जाएगा, वी टू आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इससे, 14.096 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास V2, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आंसर नंबर सेकेंड आ गया, नहीं आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें थर्ड निकालना है। देख लेते हैं थर्ड में क्या पूछा है। हमें पूछा एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट, इसका मतलब क्या पूछा, अल्फा टू पूछा भाई। So, जब VW2 पता है, VF2 पता, तो अल्फा 2 में कौन सी बड़ी बात है, VF2 अपॉन VW2 ही तो अल्फा 2 होगा, टेन इनवर्स VF2 अपॉन VW2। इसमें कहां कहां दिक्कत आ रही है, ये लो एक बार चीज तुम निकालोगे सारी चीज अपने आप खुल के पटक जाएगी। VF2 5.05 है, VW2 14.08 है, निकालोगे अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा टू कितना आएगा 19.7 डिग्री। ये लो तीसरा आंसर आ गया। चौथा आंसर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेट ऑफ फ्लो। ओहो 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 ओहो, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, पाई डी टू बी टू वी एफ टू। ये लो पाई 3.14, क्यू डी टू आपको दे रखा आउटसाइड डायमीटर दैट इज 480.48 और विड्थ भी आपको दे रखा होगा दैट इज बीटा 2 60 mm। तो ये हो जाएगा 0.06 और वी एफ टू की वैल्यू अभी अभी हमने कोरी कोरी निकाली थी 5.05, तो इससे डिस्चार्ज भी आ जाएगा 0.547 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सारी वैल्यू आ गई एक साथ, कोई दिक्कत अब इसमें, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ मुझे, कोई दिक्कत आ रही है क्या? सारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं लगता एक जैसे ही हो रहे हैं, कोई सारे क्वेश्चन एक तुम्हें नहीं लगता एक जैसे ही हो रहे हैं, अगर कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है। हमें पहले वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेना है, फिर ट्रायंगल को देखना है, फिर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी होगी, एंगल निकालने, कुल मिला के ज्योमेट्री सॉल्व करनी है। बच्चा लोगों यहां तक समझ में आई पॉइंट आपको?
भैया क्लियर है तो बाकी बच्चों को क्या हो गया? बाकी बच्चों को क्लियर नहीं है क्या? सत्येंद्र का क्लियर है? बाकी बच्चों को क्या हो गया भाई? मुंह में दही जमाए हैं या हाथ में कुछ दिक्कत आ रखी है? भैया यस और नो कर दे करो यार, एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट द टीचर एफर्ट्स ना, एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द टीचर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सो आई होप इज दैट क्लियर टू एवरीबडी। अब नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। देखिए हम पाइप इन पंप पंप इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो पंप इन सीरीज एंड पैरेलल क्या होते हैं? अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा हेड की जरूरत है, मतलब आपको 4 मंजिल तक पानी, 10 मंजिल तक पानी पहुंचाना है, अब एक पंप से ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम हेड बढ़ाते हैं यू नो दैट डिस्चार्ज विल डिक्रीज। तो बेसिकली होता क्या है, मान लो, या फिर हमारे पास एक पंप जो है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पंप होते हैं उनकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, उस तक ही वो वाटर को राइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो वाटर को राइज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, वी विल टॉक अबाउट द साइंटिफिकल पंप। ओके तो साइंटिफिकल पंप जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड हाई हेड पंप, दैट कैन वर्क अप टू 30 मीटर हेड। 30 मीटर से ऊपर जब आप पंप यूज करोगे तो फिर उनमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, बहुत लो डिस्चार्ज होता है बेसिकली, फिर उनमें कैविटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सो एक लिमिट तक ही वो वाटर लेवल को राइज कर सकते हैं, उसके बाद दे कैन नॉट राइज द वाटर लेवल, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस द साइज ऑफ द पंप विल इंक्रीज वेरी लार्ज। अब आप क्योंकि देखो पंप में जो हेड डेवलप होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो पंप का आउटर रेडियस और इनर रेडियस के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, ये तो बेसिकली लॉ से, इनर रेडियस इतना कम होगा इतना हेड, और दूसरा होता है आरपीएम पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, अगर आप बहुत ज़्यादा आरपीएम बढ़ा दोगे, बहुत ज़्यादा रोटेशन बढ़ा दोगे, तो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पंप भी किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है, और जब वो बहुत हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो जो पंप का मटेरियल है, जो मास है, उसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, पंप की एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि पंप की ब्लेड को तोड़ सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस नाम की भी चीज होती है, आप बहुत हाई आरपीएम पे रोटेट नहीं कर सकते पंप। तो रोटेशन आरपीएम एक फिक्स होती है फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जैसे जैसे रोटेशन या आरपीएम बढ़ाते हो आप, तो आपकी जो पंप है उसकी ब्लेड्स पर सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस काफी बढ़ने लगता है, और एक पर्टिकुलर आरपीएम के बाद आप उस ज्यादा आरपीएम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर अब मुझे यहां पर हेड को बढ़ाना है तो वी हैव टू इंक्रीज द रेडियस। तो अगर रेडियस बढ़ाओगे पंप का साइज बढ़ जाएगा, पंप का साइज बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, पंप को रोटेट करने में के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगी, इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो पंप होते हैं दे विल वर्क एफिशियंटली इन सर्टेन रेंज, लेकिन 50 to 30 मीटर के बीच में सेंट्रीफ्यूगल पंप अच्छा काम करता है। 30 मीटर से ऊपर जाओगे तो फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप काम नहीं करेगा अच्छे से। लेकिन अगर मुझे 30 मीटर से भी ज्यादा हेड डेवलप करना है, मुझे उससे भी ज्यादा ऊपर तक पानी पहुंचाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करता हूं, पंप को सीरीज में लगाता हूं। अगर मुझे हाई हेड चाहिए सो आई विल कनेक्ट अ मोर सेंट्रीफ्यूगल पंप इन सीरीज। हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा पंप को सीरीज में लगा देंगे एंड वी विल गेट द सेम डिस्चार्ज एट हाई हेड। तो यहां पर क्या होता है, जो टोटल हेड होता है वो समेशन हो जाता है, H1 + H2 + H3। तो जितने आप ज्यादा हेड चाहिए, इतने ज्यादा आप पंप को सीरीज में लगा दो, यू विल गेट अ हाई हेड डिस्चार्ज। लेकिन यहां पर क्या रहेगा, तीनों पंप के थ्रू जो पास हो रहा है दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो जब हम लोग को हाई हेड चाहिए होता है तो वी विल यूज पंप इन सीरीज, तो हम पंप को सीरीज में लगाएंगे टू रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ हेड, ठीक है। फिर अगर हमको यहां पर ज्यादा डिस्चार्ज की जरूरत होती है, न हमारे पास अब हेड तो है लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए,
क्या चाहिए, डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा वाटर चाहिए, तो फिर हम यहाँ पर पंप को पैलर में लगाते हैं। सेम हेड बट अब हमने यहां पर तीन पंप लगा दिए, तो तीनों पंप क्या कर रहे हैं, सम से पानी खींच रहे और यहां पर पहुंचा रहे हैं। सो ये Q1 अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर रहा है, ये Q2 अमाउंट और ये Q3 अमाउंट। तो फाइनली जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कितना अमाउंट हो रहा है, दैट इज Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट तीनों पंप का जो हेड है, जिस हाइट तक ये वाटर राइज कर रहे हैं, दे आर सेम, इट इज सेम। तो यहां पर H1, H2, H3 तीनों पंप के लिए जो हेड है वो सेम है। सो जब आपको हाई डिस्चार्ज चाहिए होता है, सो फॉर हाई डिस्चार्ज एट सेम हेड वी कनेक्ट पंप इन सीरीज, सॉरी पंप कनेक्ट पंप इन पैरेलल। सो ये भाई दो चीज है जो पंप इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो अगेन जब हमको हाई हेड चाहिए होता है तो हम क्या कर रहे हैं, पंप को सीरीज में लगा रहे हैं, और जब हमें हाई डिस्चार्ज चाहिए तब हम पंप को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? बच्चा लोग भागने लगे हैं अब ना, सर क्या करा रहे हो सर। देखो मैंने बोला है मेरी क्लास में वही गेन करेगा जिसमें थोड़ा पेशेंस है, ढंग से बैठेगा, पेशेंस रखेगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं कराऊं आपको या छोड़ दूं, क्वेश्चन एक कराऊं मैं, पंप एंड सीरीज एंड पैरेलल किस तरह का बन सकता है क्वेश्चन, या छोड़ दें आप बताओ वैसा करेंगे। क्वेश्चन कराएं या छोड़ दें भाई, आपको बताएं कैसा क्वेश्चन बन सकता है या छोड़ दें, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इफ यू वांट आई विल राइट द क्वेश्चन एंड यू विल एबल टू सॉल्व इट। और कोई बच्चे नहीं हो रहे? यस, सो मैं कुछ क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूं। चलो यहां पर बेटर रहेगा क्योंकि पेज ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका ए थ्री स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप has impeller 400 mm। यस बेटा, हम पंप से हाई डिस्चार्ज चाहते हैं और उसके साथ साथ हाई हेड भी चाहते हैं, क्योंकि पंप का काम क्या होता है, वाटर को एक हाइट तक पहुंचाना। तो दोनों ही चीज हम पंप से चाहते हैं, हाई डिस्चार्ज भी और कई बार हाई हेड भी। अब आपने 5 मंजिल का मकान बना लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये नहीं चाहोगे कि मेरे नल के अंदर पानी बहुत धीरे धीरे आए। आप चाहे पहली मंजिल पर रहो, चाहे आप 5वीं मंजिल पर रहो, आपकी चाहत ये होगी कि सर 5वीं मंजिल पर भी पानी उसी स्पीड से आना चाहिए जिस स्पीड से पहली मंजिल पर आ रहा है। तो जब आप समरसिबल खोदोगे, आप पंप लगाओगे, तो आप इस तरह का ही पंप डिजाइन करोगे जो एफिशिएंटली भी 5वीं मंजिल तक वाटर पहुंचा पा रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि नहीं सर पानी चौथी मंजिल तक ही आ रहा है, तो आपको सारे काम करने, आप रहते तो 5वीं मंजिल पे हो लेकिन सारे वाटर से रिलेटेड काम करने आपको
चौथी मंजिल पे आना पड़ रहा है, या फिर अगर वाटर आ भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर यू विल सफर। तो जब आप पंप लगाते हो तो आपके दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है, एक तो हाई हेड तक वाटर पहुंचाना और दूसरा उस हाई वॉल्यूम के साथ, हाई डिस्चार्ज के साथ पहुंचाना, ठीक है? एक 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 रिक्वायरमेंट नहीं होती। इज 90% एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इज 80%। द पंप इज रनिंग एट 1000 RPM and delivering 0.05 meter cube per second. Determine first head generated by pump. Second, shaft power required to run pump. ये आपसे पूछा है। थ्री स्टेज का मतलब है ये पंप इन सीरीज में लगे हुए हैं। ये पंप क्या है? सीरीज में लगे हुए हैं। ऑल पंप आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने आपको बताया पंप इन सीरीज में क्या होगा, नंबर ऑफ
बताइए भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्या हो भाई, नहीं निकला क्या? शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? Should I solve this question? अरे एक चीज तो करो भाई। चलो करता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ मुझे, गिवन डाटा क्या क्या है? 108.2। अरे एक्सीलेंट यार, रोशन का आया। एक्सीलेंट बेटा, रोशन इज अ करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 108.2 इज अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सुबीर दूसरे के लिए मैं रुक रहा हूं, ठीक है। चलो फिर पावर निकाल दो, शाफ्ट की पावर भी बता दो आप। अरे वेरी गुड यार, टेक योर टाइम। फिर अगर आप लोग कर रहे हो तो आई विल गिव योर टाइम, डोंट वरी, आई विल गिव योर टाइम, ठीक है। आई विल गिव योर टाइम, अगर आप लोग कर रहे हो तो आई विल नॉट डिस्टर्ब।
बच्चा लोगों, अब मैं कर दूं? चलो भैया, तो वो जिनका नहीं हुआ है वो देखें सामने। नंबर ऑफ स्टेज कितनी दे रखी है यहां पर? नंबर ऑफ स्टेजेस इज थ्री, ठीक है। और क्या दे रखा है हमको यहां पर? दे रखा है इम्पीलर 400 mm इन डायमीटर एंड 40-20 mm विड्थ एट आउटलेट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमको? डी टू दे रखा है, एक तो 400 mm, जिसको मीटर में बदलेंगे तो 0.54 मीटर, और हमको विड्थ दे रखा है बी टू, दैट इज 20 mm। तो इसको अगर आप मीटर में बदलेंगे, यस 442 किलो वाट। नो बेटा, ये गलत आ रहा है आपका सतेंद्र, ये गलत आ रहा है। नो, इट्स नॉट राइट। सो बीटा टू क्या हो जाएगा? ये आपका बी टू हो गया। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? द वेन आर कर्व बैक एट द आउटलेट एंड 45 डिग्री। इसका मतलब ये किसका एंगल दे रखा है? वेन एंगल। दैट मीन्स बीटा टू इज गिवेन द क्वेश्चन 42.45। ये नहीं, तुम भी थोड़ा दूर हो भाई, गलत है, 45 डिग्री, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है द सर्कमफेरेंस एरिया आर रिड्यूस बाय 90%। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.9, 10% रिड्यूस हो जाता है। द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 90%, तो 90% मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी इज 80%। ओके, द पंप इज रनिंग एट आरपीएम इज 1000 एंड डिस्चार्ज ऑल्सो गिवेन इन द क्वेश्चन इज 0.045 क्यू, जो सप्लाई कर रहा है 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सब वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवेन है। अब आपसे क्या पूछा है कि भैया टोटल हेड कितना जनरेट करेगा ये पंप, अगर ये तीन स्टेज का है तो बात टोटल हेड। तो सबसे पहली बात क्या होगा कि तीन स्टेज का मतलब है कि ये पंप, तीन पंप जो है सीरीज में लगे हुए हैं, इस तरह की कंडीशन है। तो अपन क्या करेंगे, एक पंप का हेड निकालेंगे और उसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हेड हो जाएगा, क्योंकि ऑल दिस थ्री पंप शुड हैव अ सिमिलर कंडीशन। जो डिस्चार्ज एक पंप से पास होगा वही बाकी तीनों पंप से पास होगा, और तीनों पंप बेसिकली आइडेंटिकल होंगे। सो दैट इज द रीजन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल हेड निकालने के लिए एक पंप का हेड निकालेंगे, मैनोमेट्रिक हेड, और टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहली कहानी, ठीक है, कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्चार्ज दे रखा है, मुझे यहां पर टोटल हेड निकालना है, और मुझे यहां पर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी भी दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा? तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? जी एच मैनो मतलब वो हेड जो टर्बाइन फ्लूड इम्पार्ट को इम्पार्ट होता है, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड, वी डब्ल्यू टू यू टू, ये हमारे पास मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। अब अगर इसमें हेड, मैनोमेट्रिक हेड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वी डब्ल्यू टू निकालना है और मुझे यू टू निकालना है, इसमें कोई शक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल बनाऊं तो ये मेरा आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल अब तो याद होना चाहिए, ये वी आर टू हो जाएगा, ये आपका यू टू हो जाएगा, ये आपका वी टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला वी डब्ल्यू टू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी डब्ल्यू टू, और ये वी एफ टू, इससे बनने वाला एंगल अल्फा टू, इससे बनने वाला एंगल बीटा टू, 66.30 किसका आ रहा है? रोशन का बेटा है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, रोशन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल लिया। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट।
तो अब मुझे अगर वी डब्ल्यू टू निकालना है और मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, बीटा टू दिया है। तो याद करो हम लोगों ने पहले जब हमको बीटा टू पता था तो हमने वी एफ टू निकाला था, यू टू हम लोग निकाल लेंगे तो इससे वी डब्ल्यू टू आ जाएगा क्योंकि इस लेंथ को हमने एक्स माना है। तो इस एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ा था, वी एफ टू निकालना पड़ा था। तो और वी एफ टू हम किससे निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज से निकाल सकते हैं, वो हम जानते हैं क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू पाई डी टू बी टू वी एफ टू होता है। लेकिन यहां पर एक और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लेड की थिकनेस की वजह से सम एरिया विल हैव ब्लॉक्ड, तो टोटल एरिया जो पैराफोरी का है वो इज नॉट अवेलेबल टू फ्लो द वाटर, तो कुछ एरिया रिड्यूस हो जाता है जो कि वैल्यू यहां पर दे रखी 10% रिड्यूस हो जाता है, तो के कितना बचेगा 0.9। डिस्चार्ज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 0.05। ये कितना हो जाएगा 0.9, 3.14। आउटर डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना दे रखा है 0.4, B2 कितना दे रखा है 0.02। सो यहां से आपको क्या निकल आएगा, फ्लो वेलोसिटी निकलेगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है। तो ये फ्लो वेलोसिटी आ जाएगा 2.21 मीटर पर सेकेंड, दिस योर फ्लो वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है? फिर हम लोग यू टू निकाल लेंगे, यू टू कितना आ जाएगा पाई डी टू एन अपॉन 60 से 3.14, डी टू कितना आ जाएगा 0.4, आरपीएम आपको 1000 दे रखा है तो इससे आपका 60 यू टू आ जाएगा आपके पास 20.94। ठीक है, ओके, यू टू आ गया, वी एफ टू आ गया। अब देखो यहां पर अगर मैं टेन बीटा टू पता है, बीटा टू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री, तो मेरे पास मुझे क्या निकालना था, वी डब्ल्यू टू निकालना है, यू टू पता है। सो टेन फाइव या टेन बीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, वी एफ टू अपॉन एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू। ठीक है, यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू, दिस इज एक्स। अब टेन बीटा टू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वी एफ टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू, टेन बीटा टू 45 डिग्री दे रखा है, वी एफ टू अभी जस्ट कोरा कोरा निकाला है 2.21, यू टू की वैल्यू अभी निकाली है कितना है 20.94। तो यहां पर एक ही वैल्यू अननोन है, दैट इज वी डब्ल्यू टू, तो यहां से वी डब्ल्यू टू आ जाएगा तुम्हारे पास, यू विल कैलकुलेट 18.73 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास वी डब्ल्यू टू। अब हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो चुका है क्योंकि हमारे पास वी डब्ल्यू टू भी आ गया है, यू टू भी आ गया है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है, तो हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड आ जाएगा। सो क्योंकि फॉर्मूला मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का यही होता है, जी एच मैनोमेट्रिक हेड अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, जस्ट चेक इट, ये हमको दे रखी है 90%, तो ये हो जाएगा 0.9, यहां हो जाएगा 9.81। एच मैनोमेट्रिक हमें निकल जाएगा यहां से, वी डब्ल्यू टू अभी हमने निकाला 18.73 और यू टू हमको पता है 20.94, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एच मैनो। ये जो एच मैनो आएगा ये किसके लिए आएगा, ये सिंगल पंप के लिए आएगा। तो अगर तीन पंप हमने क्या लगा रखे हैं, सीरीज में लगा रखे हैं, तो टोटल एच टोटल क्या हो जाएगा, एच टोटल हो जाएगा 3 × 35.98। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 107.94 मीटर के अराउंड आपका आंसर आएगा, दिस इज द टोटल। ओके,
अरविंद जस्ट टेक्स्ट मी टू माय नंबर, इफ यू नो माय नंबर तो हम लोग उसका एक बार मैं पूरा इसका डिटेल देख लूँगा कि किस पंप इंडस्ट्री में तुम काम कर रहे हो और कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज वी हैव अ गाइज जो इसमें पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग सिमुलेशन यूज़ करते हैं बेसिकली टू कैलकुलेट द क्रैक्स इन वेल्डिंग्स की किस तरह से वेल्ड क्रैक्स प्रोपोगेट करते हैं वेल्डिंग्स के अंदर, सो दे जनरली यूज द सिमुलेशन टूल्स. ओके so they would help you. Okay, okay. So हमारे बहुत सारे अभी फ्रेंड हैं जो कि कंपनीज के साथ वर्क करते हैं, स्टूडेंट भी हैं, फ्रेंड भी हैं जो कंपनी के साथ वर्क करते हैं, उनकी पेटेंट मीटिंग में भी बैठते हैं और जो भी इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं. तो एक बार अगर आप टेक्स्ट कर दोगे तो पूरा प्रॉब्लम, सो आई कैन मे बी आई वी विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन. ओके एंड चलिए आगे पढ़ते हैं ना. 107.94 मीटर ये हमारा टोटल हेड आ जाएगा. अब आप पर वो निकालना है क्या, शाफ्ट पावर. शाफ्ट पावर तो शाफ्ट पावर होता क्या है, शाफ्ट पावर होता है बेसिकली ये मैनोमेट्रिक हेड क्या है, ये टोटल हम तीनों पंप का पावर मिला के इतना हेड डेवलप कर रहे हैं. तो टोटल हमने फ्लूड को कितना पावर सप्लाई किया विथ थ्री पंप, इतना हेड डेवलप किया तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इक्वल टू डब्ल्यू क्यू एच. और कितना डिस्चार्ज सप्लाई करें टोटल, वी हैव दिस क्यू डिस्चार्ज टोटल, डब्ल्यू होता है 9810. तो तीनों पंप में डिस्चार्ज सेम रहेगा. सो क्यू गिवन इन द क्वेश्चन इज 0.05 इंटू एच, ये टोटल हेड हम डेवलप कर रहे हैं. तो टोटल हमने कितना पावर सप्लाई किया, इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 52.94 किलो वाट. ये टोटल हमने पावर किसको सप्लाई किया है, फ्लूड को सप्लाई किया है. तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, पावर सप्लाई टू द फ्लूड अपॉन पावर एट शाफ्ट. तो पावर एट शाफ्ट क्या हो जाएगा, पावर एट शाफ्ट हो जाएगा हमारे पास पावर सप्लाई टू द फ्लूड अपॉन ओवरऑल एफिशिएंसी. इसको अपॉन करोगे 50.94 अपॉन 0.98 तो ये 66.17 किलोवाट आ जाएगा. यहां पर तीनों पंप का कंबाइंड निकलेगा, हमेशा तीनों पंप का क्या निकलेगा, कंबाइंड निकलेगा. ठीक है, तो यहां पर तीनों पंप का क्या निकलेगा, कंबाइंड निकलेगा. ठीक है, सो शार्प पावर कितना आ जाएगा, 66.17 किलोवाट. तो दिस इज द कंबाइंड पावर वी कुड फाइंड आउट. ठीक है, सो ये कहानी हो गई यहां तक. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी नाउ, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी नाउ और नॉट. ओके तो ये कहानी हो गई. आई होप आप देखो पंप में कोई वेरिएशन बचा नहीं है. मैंने हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करा दिया भर भर के, है ना. अब मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई गलती होगी, गेट की तुम्हारे औकात भी नहीं है. अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए ना तो इससे ज्यादा टम बनाने की उनकी औकात है नहीं. ठीक है, यू कुड सॉल्व एनी क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक स्पीड of pump. I'm not going to derive the formula because there is no use of derivation. I'm just writing the final result of the formula. So pump ki speed hoti hai
दैट इज इक्वल टू, वैसे तो पंप की जो स्पेसिफिक स्पीड है और टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो पंप की स्पेसिफिक स्पीड, टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, एच की पावर 5/4, ये फॉर्मूला था नहीं था टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड का। अब पावर क्या होती है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू एच, और पंप में बेसिकली वी विल डेवलप द वी आर सप्लाइंग द डिस्चार्ज एट द हाई हेड। तो पंप में पावर हम सप्लाई नहीं कर रहे, बेसिकली हम पावर पंप में पावर डेवलप नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्चार्ज सप्लाई कर रहे हैं एट हाई हेड। सो डिस्चार्ज विल बी द इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। तो अगर हम इस स्पेसिफिक स्पीड के अंदर पावर को इस क्यू और एच से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला जो है वो पंप की स्पेसिफिक स्पीड का बन जाएगा, कि अंडर रूट ऑफ क्यू हो जाएगा, ये एच नीचे जाएगा, एच की पावर 5/4 है, और ये हो जाएगा एच की पावर -1/2, नीचे जाएगा ना अंडर रूट ऑफ एच। सो ये हो जाएगा एन का रूट क्यू एच की पावर 5/4 -1/2, कितना होगा भाई 5/4 -1/2, 4 आ जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/4। सो एन अंडर रूट ऑफ क्यू एच की पावर 3/4, ये फॉर्मूला होता है पंप की स्पेसिफिक स्पीड का। सो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इज नथिंग बट एन अंडर रूट ऑफ क्यू एच की पावर 5/4। अब यहां पर सबसे पहली बात यह है, यहां पर जो क्यू होता है वो बेसिकली डिस्चार्ज, और एच क्या है आपका मैनोमेट्रिक हेड, सॉरी 3/4। सो पंप की स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, दिस इज एच मैनोमेट्रिक हेड 3/4। ठीक है, सो दिस इज द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। सो एन रूट क्यू क्या हो जाएगा, एन रूट क्यू एच की पावर 3/4। ओके, सो एन रूट क्यू एच की पावर 3/4, दिस इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप। सो यहां पर एक स्टार मार्क लिख लीजिए, इन केस ऑफ अ मल्टी स्टेज पंप द वैल्यू ऑफ एच मैनो टू बी यूज्ड इज ऑब्टेन्ड by dividing the total head developed by the number of stage stages। ठीक है, तो यहां पर जो H लिखा जाता है वो सिंगल स्टेज के लिए लिखा जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड तो एक के लिए निकालोगे ना आप, कंबाइंड के लिए थोड़ी स्पेसिफिक स्पीड निकालोगे, नंबर ऑफ स्टेज।
फॉर पैरेलल कनेक्शन पंप या फॉर पंप इन पैरेलल Q will be Q total by N, where N is number of pump in parallel. So, my dear friend. अभी रुक जाओ, थोड़ा सा बस एक क्वेश्चन बाकी है, फिर उसके बाद मैं छोड़ दूंगा यार। इसके ऊपर जो वो फ्लो में हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज एक क्वेश्चन अभी बाकी है इसके ऊपर, है ना। तो एक फ्लो में हो जाएगा तो बेटर रहेगा, तो इसलिए मैं करा। तो यहाँ पर देखियो, अगर आपको पंप सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, एच मैनोमेट्रिक हेड जो टोटल है उसमें अपॉन फोर करना है जितने भी स्टेजेस पंप लगे हैं। अगर पंप पैलर में लगे हैं तो फिर डिस्चार्ज को टोटल डिस्चार्ज अपॉन नंबर ऑफ पंप इन पैलर करना है आपको, ठीक है। अब स्पेसिफिक स्पीड का रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस पंप के लिए कौन सा स्पेसिफिक स्पीड होता है, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां होते टाइप ऑफ पंप, दिस इज योर टाइप ऑफ पंप, दिस इज स्लो स्पीड रेडियल फ्लो, मीडियम स्पीड रेडियल फ्लो, हाई स्पीड रेडियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो और स्क्रू टाइप एक्सियल फ्लो और प्रोपेलर टाइप यहां पर स्पेसिफिक स्पीड 10 टू 30 दे रखी है, 30 टू 50, 50 टू 80, 80 टू 160 और 160 टू 500, ये इनके स्पेसिफिक स्पीड का रेंज होता है। सो स्पीड रेडियल फ्लो पंप के अंदर स्पेसिफिक स्पीड काफ़ी कम होगी, मीडियम स्पीड के अंदर ज़्यादा होगी, और जैसे स्पीड बढ़ेगी बेसिकली स्पेसिफिक स्पीड भी आपकी बढ़ती जाएगी। मिक्स फ्लो और स्क्रू टाइप में आपका 80 से 150 160 होता है, सबसे ज़्यादा एक्सल फ्लो और प्रोपेलर टाइप पंप में होता है। ठीक है, सो एक बार बताओ मैं कौन से पंप को चूज करूंगा, हाई स्पेसिफिक स्पीड या लो स्पेसिफिक स्पीड। अगर मुझे पंप चूज करना है तो विच पंप आई एम गोइंग टू चूज,
अरविंद विच पंप यू आर गोइंग टू चूज, हाई स्पेसिफिक स्पीड पंप और लो स्पेसिफिक स्पीड पंप? तो यहां पर एक नोट डाल के हम लोग लिख देते हैं। नोट ये है, द पंप विथ हाई स्पेसिफिक स्पीड द हाइएस्ट स्पेसिफिक स्पीड स्पीड इज जनरली प्रिफर्ड जनरली द बेस्ट चॉइस चॉइस सच अ पंप कैन ऑपरेट। अगर आपका हाई स्पीड पंप है तो इट कैन ऑपरेट एट हाई आरपीएम, और अगर हाई आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? हाँ, मैंने आपको बताया था जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाई टू जी। तो जब हाई रोटेशनल आरपीएम होगा तो इट कैन प्रोड्यूस अ हाई हेड विद स्मॉलर साइज। आपको रेडियस बढ़ाने की जरूरत नहीं, अराउंड 3000 आरपीएम, वेरी गुड, अराउंड 3000 आरपीएम के अराउंड ये स्पीड होती है। लेकिन इससे ज्यादा भी कर सकते हैं क्या अपन? इससे ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं क्या अपन? इससे ज्यादा स्पीड हम नहीं बढ़ा सकते, उसका रीजन होता है ये कंडीशन। इससे ज्यादा स्पीड हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मोटर के अंदर कितनी आरपीएम होगी वो उसके नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करती है। अब चूंकि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है और दो से कम पोल तो हम यूज नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ पोल, तो मिनिमम हम जो आरपीएम, मतलब मैक्सिमम जो आरपीएम बढ़ा सकते हैं वो 3000 के अराउंड। कितना होगा हमारा? 3000। इससे ज्यादा आरपीएम तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डेवलप दिस मोर देन दिस आरपीएम, क्योंकि आप अगर कोई मोटर यूज करोगे तो मिनिमम उसमें टू पोल्स तो होंगे ही और वो इतना आरपीएम आपका जनरेट कर सकता है, इससे ज्यादा आरपीएम आप नहीं जनरेट कर पाओगे। ठीक है, अराउंड, तो इतने अराउंड जो मैक्सिमम आरपीएम है इसके अराउंड हम लोग स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके अंदर है, जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, सम टाइम लेकिन सारे पंप डिजाइन नहीं होते, यस, हाँ, सम टाइम दे डिजाइन, कुछ पंप्स हैं जो डिजाइन किए थे जो बहुत हाई आरपीएम पे हमें काम लेने, सारे पंप डिजाइन नहीं होते ना, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन होते हैं। इट इज अंडर आर टोटल, एम आई राइट? आप तो पंप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो एम आई राइट कि सारे पंप जो है वो 60 हर्ट्ज के लिए डिजाइन नहीं होते, मतलब कुछ स्पेसिफिकल एप्लीकेशन के लिए हम डिजाइन करते हैं बट नॉट फॉर ऑल ऑफ 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड आर अवेलेबल, हाउ मेनी पंप are required and how should they connected? Be connected whether in series or in parallel? ये बताना है। पहली बात तो कितने पंप कनेक्टेड होंगे और वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपको बताना है। इट इज रिक्वायर्ड टू पंप वाटर ऑफ आउट ऑफ डीप वेल वेयर अंडर अ हेड ऑफ टोटल हेड ऑफ 90 मीटर
A number of identical pump of design speed 1000 rpm, specific speed 30, with a radial capacity, a rated capacity of 0.145 meter cube per second are available. How many pump are required and should they be connected, whether in series or in parallel? थ्री पंप, रोशन का है थ्री पंप, एक्सीलेंट बेटा, इट्स करेक्ट। अच्छा, सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? सीरीज में कनेक्टेड होंगे या पैरेलल में होंगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, एक्सीलेंट। यस, वेरी गुड। हाँ, एक्सी का भी है, ये एक्सी का भी है, मतलब एक्सी का ही नहीं है, मतलब सभी का है। सिविल में भी आता है, मैकेनिकल में भी आता है, एक्सी में भी आता है, तो ये सभी ब्रांच का है, बट एक्सी का भी है। चलिए कैसे करेंगे, देखो जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पंप के अंदर जो स्पेसिफिक स्पीड निकाली जाती है वो सिंगल पंप के लिए निकाली जाती है, ठीक है? मतलब कनेक्टेड, मतलब सीरीज, और एक अगर सीरीज में भी कनेक्टेड है तो उन सब सीरीज में से एक पंप का स्पेसिफिक स्पीड निकाला जाता है, ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपको स्पेसिफिक स्पीड दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ क्यू एच मैनो की पावर 3/4। और तो यहां पर जो मैनोमेट्रिक हेड आएगा वो किसका आएगा, सिंगल पंप का आएगा, इतना ध्यान हमको रखना है। और यहां जो डिस्चार्ज आएगा किसका आएगा, सिंगल पंप का डिस्चार्ज हम लेंगे। सो बेसिकली यहां पर आपको टोटल डिस्चार्ज कैपेसिटी डिस्चार्ज कितना दे रखा है, 0.15। रोटेशनल आरपीएम कितना दे रखा है अपन को, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, थाउजेंड आरपीएम। अंडर रूट ऑफ Q
क्यू ऑल्सो 0.15, एच मैनो की पावर 3/4 और स्पेसिस स्पीड कितनी है 30। तो इससे क्या आ जाएगा, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी या मैनोमेट्रिक हेड कितना आएगा, 30.28 मीटर। दिस इज योर मैनोमेट्रिक हेड। इसका मतलब एक पंप का मैनोमेट्रिक हेड कितना है, 30 है। और अपन को टोटल कितना हेड डेवलप करना है, यहां पर दिख रहा है भाई टोटल हेड आपको 90 डेवलप करना है। तो आपको एटलीस्ट कितने पंप लगाने पड़ेंगे यहां पर, ऑब्वियस ही बात है अगर एक पंप आपको 30 डेवलप करके दे रहा है तो आपको तीन पंप यहां पर एक के साथ एक सीरीज में लगाने पड़ेंगे। तो कितने पंप लगेंगे, तीन पंप इन सीरीज, ये हो गया आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन विच कैन कम इन द गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। आई होप इज दैट क्लियर टू एवरीबडी नाउ, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। सो यहां पर पंप जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट अभी कर लिया है, उसके बाद पंप की करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो हम लोग वी आर गोइंग टू टेक दैट करेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, सो बताओ पंप के करेक्टरिस्टिक कर्व अभी कराने या फिर कल कराएं, जैसा आप बोलो वैसा करा देंगे। पंप करेक्टरिस्टिक कर्व कल कराएं या अभी कराएं, एज यू सेड। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं पंप के, वी हैव ओनली करेक्टरिस्टिक पार्ट, तो वो अभी कराने हैं या कल कराने हैं बताओ। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। ओके, बफरिंग। ओके, कल कराने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। टॉपिक को ज्यादा दिन तक याद रखने के लिए उसको रिवाइज करो जितना हो सके, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। रोशन जितना हो सके उसको रिवाइज करो। माइंड की तीन तरह से याद किया जा सकता है किसी चीज को, माइंड उन्हीं चीजों को याद रखता है जो उसको इंपॉर्टेंट लगती है, और माइंड को यह बताने के लिए भाई ये इंपॉर्टेंट है उस चीज को अपने आंखों के सामने से बार बार गुजारना पड़ेगा। रिविजन इज अ की टू रिमेंबर एवरीथिंग, रिविजन इज अ की टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो माइंड को इंपॉर्टेंट आपको समझाना है कि भाई ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तेरे को। उसके लिए क्या करोगे, तीन तरीके होते हैं। पहला होता है विजुलाइजेशन, आप खाली बैठे हो, रोड पे चल रहे हो, सो रहे हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको दिमाग में विजुलाइज करो, उसके फॉर्मूले रिवाइज करो, उसके बारे में सोचो, उसकी चीजें सोचो, टॉपिक को दिमाग के अंदर रिवाइज करो। दैट इज अ बेस्ट वे। जिस चीज को भी आप दिमाग में रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो, देख लेते हो सामने, वो चीज ज्यादा टाइम तक याद रहती है। दूसरा तरीका होता है रिपीटेशन, आप किसी भी चीज को अगर याद रखना है तो उसको बार 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 रिपीट करो। तो सभी इंपॉर्टेंट लगता है, नहीं 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 सभी इंपॉर्टेंट लगेगा, मैं शुरू में आपको सभी इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन जैसे तो आपको सभी याद रखना है, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 आप चीजों को फैमिलियर होते जाओगे, अपने आप ही उस चीजें में कट डाउन आप करते जाओगे। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस करना है। आप प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ और ये देखो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, बस उनको राइट डाउन लिखो और उनको रिवाइज करते चले जाओ। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि सारी चीजें पढ़ लेंगे, सारी चीजें रिवाइज करेंगे। सबसे पहला काम करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने, उसके देखना है कि भाई उसमें क्या क्या चीजें बार बार यूज होती है, उन सबको राइट डाउन करना, उन्हीं को रिपीट करना है। फिर टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज में जो चीज बार बार रिपीट होती है उनको राइट डाउन करना, उनको रिपीट करना है।
सारी चीजें पढ़ने का, सारी चीजें सोचने का टाइम नहीं है। बैठ के बड़े बड़े नोट्स पढ़ रहे हो, 2 महीने तक नोट्स ही पढ़ोगे, पता चला उसको प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कोई फायदा नहीं होगा। सो भैया देखो, सीधा सा एक रामबाण इलाज है गेट के अंदर, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन प्रोसेस रिपीट होता है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उनको लगाओ, देखो कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, उस रिपीटेशन को लिख लो, फिर उसी को बार बार रिवाइज करना है। दैट्स इट, इतना काम कर लोगे यू विल गेट द बेस्ट रैंक। यार मैं बता रहा हूं आपको, सभी आप याद रख सकते हो, आपको लगता है ऐसा सभी आप याद नहीं रख सकते, लेकिन पॉइंट यह है कि जब मैं आपको इतना बोल रहा हूं, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, अब उस सब्जेक्ट में हार्डली कितने फॉर्मूले होंगे, 20 या 25 फॉर्मूले होंगे, 25 या 30 मान लो, 50 तो हो ही नहीं सकते, 25-30 फॉर्मूले। अब वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है तो क्या करो, पहली बात तो उस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बार बार, जैसे आपके 25 फॉर्मूले तो उन सबको एक पेपर में लिख लो। सबसे पहला काम क्या करना है, पेपर में लिख लेना उनको, सारे के सारे 25 फॉर्मूले, 30 फॉर्मूले, उनको एक पेपर में लिख लो। फिर क्या करना है आपको, अपने माइंड में एक बार पहले पेपर देख लो, फिर उसको अपने माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा आपको क्या करना है, 25-30 बार करना है, पहले पेपर देखो फिर माइंड में रिवाइज करो, पेपर देखो माइंड में रिवाइज करो, पेपर देखो माइंड में रिवाइज करो। जब आपको ये रिविजन हो गया कि हाँ यार माइंड में विजुलाइजेशन, अब उस पेपर को अपनी दीवार पे चिपका दो जिसमें 25 फॉर्मूले लिखे हैं। रोज मंजन करने उठ रहे हो, जो चीज करने उठ रहे हो, उस 25 फॉर्मूले को देखोगे, धीरे धीरे 1-1.5 महीने बाद ऐसा हो जाएगा कि वो फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बैठ चुके होंगे। तुम याद करो या ना करो, अपने आप याद आएंगे, सपनों में भी याद आएंगे कि यार ये फॉर्मूला है सर। तो पहला काम तो ये होता है, तो हर सब्जेक्ट के आपको कुछ ना कुछ जैसे शॉर्ट नोट्स टाइप के या फॉर्मूले टाइप के या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब आपको एक पेपर पे लिखना है और उनको दिमाग में रिवाइज करना है। और फिर जो पेपर पे लिख रहे हो उसको पहले क्लियरली लिखना है, ऐसा नहीं रफ में लिख दिया याद नहीं करे, उनको क्लियरली मार्कर से अच्छे पेन से लिखना है, जिससे कि वो विजुलाइजेशन वाली इमेज में रहेगा, आपके मेमोरी में रहेगा। उसके बाद उस चीज को आपको दीवार पे चिपका देना, एंड यू विल बी रिमेंबर दैट। तो ये नेक्स्ट 2-3 मंथ रह गए हमारे, 2 महीने रह गए अब तो, 2 महीने लेके चले अभी, ये 10th मंथ 11 और 12 बस, उसके बाद जनवरी फरवरी, तो बेसिकली आपके पास 2 मंथ ही है इफेक्टिवली। तो कहानी ये है कि बस ये 2 मंथ में आपको फॉर्मूले रिवाइज करने, जितने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं एक पेपर लो, उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गेट प्रीवियस ईयर की बुक्स को साथ में लेके बैठना, और जो फॉर्मूले बार 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 रिपीट हो रहे हैं उनके आगे स्टार लगा लेना, और उनको लिख लो एक पेज पे और उसको रिमेंबर करो, याद करो, चिपका दो। इतना काम करना है, दैट विल बी द गुड, अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है रोशन, एंड यू ऑल आर ए वेरी गुड स्टूडेंट, ओके। मेमोरी तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम लोग अच्छा कर सकते हो लाइफ में, बस तुम्हें बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं याद कर सकता हूँ, देयर इज नथिंग कि मैं याद नहीं कर सकता। देखो अभी अपने पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट छूट गया तो छोड़ ही देंगे, वी हैव अ टाइम। तो अगर उस सब्जेक्ट को शॉर्ट वे में पढ़ सकते हो तो प्लीज़ कंप्लीट दैट सब्जेक्ट, कोई नहीं छोड़ना है, अभी हमारे पास टाइम है, अभी 2 महीने है, अभी तुम पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी है टाइम तुम्हारे पास, अभी तुम उसको पढ़ लो, 1 महीना और है अभी तुम्हारे पास, उसके बाद अगर रह जाए तो फिर रह जाए, फिर रिवाइज करो ज़्यादा बेटर है। अभी अगर कोई सब्जेक्ट रह गया तो नेक्स्ट 1 मंथ में आप कवर कर सकते हो, अभी तुम लोगों के पास टाइम है, अभी कवर कर लो, उसके बाद अगर रह जाए तो फिर छोड़ देना, 2 महीने 1.5 महीने पहले ही छोड़ के बैठ जाओगे कोई फायदा नहीं है, लास्ट मोमेंट का खेल होता है वो सब, ठीक है। तो अपने ऊपर बिलीव करना सीखो, याद तुम्हें सब होता है, मेमोरी इज ऑल अबाउट बिलीव, कि आप उस चीज को बिलीव करते हो या नहीं करते हो, तो कि मैं याद कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, अगर इस बात को बिलीव करते हो तो आपको याद रहेगा। अच्छा तुमने एक स्वामी विवेकानंद वाली स्टोरी सुनी है कि स्वामी विवेकानंद जी जो ट्रेन में जा रहे थे, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी, मैं वापस सुना देता हूँ आपको, ये बहुत फेमस स्टोरी है, हम लोगों ने बचपन में सुनी थी।
और एक बुक्स में पढ़ी है मैंने, स्वामी विवेकानंद जी की बुक थी तो उसके अंदर पढ़ी थी मैंने, तो उसमें ये था कि स्वामी विवेकानंद जी जो है ट्रेन में जा रहे थे और उनके साथ एक और आदमी जा रहा था। अब स्वामी विवेकानंद जी जो है वो ट्रेन के गेट पर खड़े होके एक बुक पढ़ रहे थे और बुक पढ़ते जा रहे थे और जैसे पन्ना खत्म हो जा रहा था पेज तो उसको फाड़ के फेंक देते थे, उसको पढ़ते जा रहे थे उसको फाड़ के फेंक देते थे, फिर पढ़ते जा रहे थे तो फिर फाड़ के फेंक देते थे। तो उनका जो उनके साथी जो था वो बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि यार तुम पढ़ रहे हो, पढ़ के फाड़ दिया, क्या पता आपको दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ जाए, आप याद कैसे रखोगे। मान लो आपके आज के एक महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको याद कैसे रहेगा, मतलब आपको रेफरेंस कैसे रहेगा, आपने तो बुक तो फाड़ के फेंक दी। ठीक है, तो बोलता है कोई मेरे को अब ये जिंदगी भर ये बुक याद रहेगी। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मुझे ये जिंदगी भर बुक याद रहेगी, इसीलिए मैंने उसको फेंक दी क्योंकि मैंने हर पन्ना अभी याद कर लिया। आप चाहो तो सुन सकते हो, आपके पास दूसरी बुक इसी तरह की ले आओ, उस बुक को सुन लो। अब वो जो दोस्त था उनका ऑफेंड हो गया, यार मतलब चैलेंज दे रहा है कि ऐसे ऐसे याद रह सकता है, तो वो भी उसी सेम बुक लेके आया सेम ऑथर की और उसके पेज बाय पेज उनसे सुनना स्टार्ट किया उसने, उनको सब याद था। तो उनसे पूछा गया कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक बार कोई चीज पढ़ो और तुम्हें याद हो जाए, एक बार कोई चीज पढ़ो और तुम्हें याद हो जाए। तो वो कहते हैं कि एक बार चीज पढ़ने से मुझे इसलिए याद हो रही है क्योंकि मेरे माइंड को मैं ये बता चुका हूं कि ये तेरे को एक ही बार पढ़ने के लिए मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए जो भी याद रखना है तुझे इसी में याद रखना है। कई बार जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और जब हमें पता होता है कि यार हम लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं, इसको बाद में भी देख सकते हैं, बाद में भी रिट्राइव कर सकते, तो हम कभी भी उस चीज को याद नहीं करते हैं या फिर दिमाग में रखते नहीं है। जब हमें पता है कि हमने बुक्स में पढ़ा है, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वापस से बुक खोल के देख लेंगे, तो हम उसको कभी याद नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें पता होगा कि यार जो मैंने पढ़ा है ना उसको मुझे याद रखना ही जरूरी है क्योंकि अभी मुझे बुक नहीं मिलेगी, तो उसको आप ज्यादा रिटेन कर पाते हो या याद रख पाते हो। तो माइंड जो होता है ना, इट्स ऑल अबाउट बिलीव कि तुम कितना रिटेन कर सकते हो वो उतना ही रिटेन करता है, जितना तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो ना उतना ही माइंड काम करता है। इट्स ऑल अबाउट बिलीव कि अगर आप बिलीव करते हो ना कि आप चीज याद रख सकते हो, आप उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो, तो माइंड आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर आप बिलीव करते हो कि आप नहीं कर सकते, आप भूल जाओगे, तो आप 100% भूलोगे। तो इट इज ऑल अबाउट बिलीव कि यार यस आई कैन डू इट। कई बच्चे सोचते हैं कि यार हमारी मेमोरी वीक है, उनकी मेमोरी वीक नहीं होती है, बेसिकली उनको एक फोबिया होता है, एक छोटा सा मतलब कई बार होता है प्रिसेप्शन बन जाता है, जिसको फोबिया भी छोटा, जिसको प्रिसेप्शन बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। भाई अब भूलता इस दुनिया का हर आदमी है, जो अपने आप को सबसे सुपर इंटेलिजेंट भी समझता होगा ना वो भी भूलता है। अरे माइंड हमारा बना ही ऐसा है, माइंड को अगर आप ये समझाओगे कि ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो याद रखेगा, अगर उसको समझाओगे कि तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो भूलेगा, क्योंकि माइंड दिन भर में हजारों चीजें देखता है तो उनमें से उसको भूलना पड़ता है, नहीं तो उसके दिमाग में स्टोर होता जाएगा कचरा, और अगर वो कभी भी भूलेगा नहीं तो वो ट्रोमा से बाहर नहीं निकल सकता है। सो माइंड को ये बताना पड़ता है कि तुझे ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको मेमोरी में उसको सही से प्लेस करना पड़ता है, उसको इंपॉर्टेंस फील करानी पड़ती है, तभी जाके वो चीजें याद रख पाता है। आप चीजों को इंपॉर्टेंस तो फील कराओगे नहीं, आलस में पढ़ोगे, आप ध्यान दोगे नहीं और फिर सोचोगे कि यार माइंड में याद रह जाए। क्लास में बैठ के आपने ढंग से सुना नहीं है लेक्चर और आप ये सोच रहे हो कि मुझे लेक्चर याद क्यों नहीं हो रहा है। आप ढंग से बैठ के टीचर पर फोकस नहीं कर रहे हो, फिर आप ये सोचने बैठ रहे हो कि यार मुझे मतलब समझ में क्यों नहीं आ रहा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे किसी चीज पर, तो भैया वो फिर आपको साथ नहीं रहने वाले। That's all about the memory games. तो बेटा याद करने का सीधा सा तरीका है, believe on yourself, you can do it. अपने आप याद रहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
और उसको फील कराया करो इंपॉर्टेंस कि हाँ भाई मेरे को रखना है याद इसको, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, तो माइंड में फिर वो 500 बार रिपीट होगा, फिर वो तुम्हें याद रहना स्टार्ट करेगा। एक बार इसको ट्राई करके देखो, जिस चीज को तुम अपने आप को कहोगे ना कि यार ये मुझे याद रखनी है, वो अपने आप याद रहेगी, देखना तुम। क्योंकि जब तुम्हें याद रखनी है ना, उसको रिपीट करोगे तुम दिमाग में, रिवाइज करोगे बार बार, चाहे कहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एक काम करना है, इसको एक्सपेरिमेंटली ट्राई करना। पहली बात तो ये मत सोचो कि इतना सब्जेक्ट है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ये सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये मत सोचो इतना है, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि इतना सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है, हमें कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, उसी से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये जो सब्जेक्ट है ना, ऐसे डिब्बी की तरह बन जाएंगे, जब तुम इनको बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में ये ऐसे हो जाएंगे डिब्बी की तरह, तुम ऐसे उठाओगे ना कि थर्मोडायन सुनाओ तो रात को उठ के भी तुम पूरा का पूरा सब्जेक्ट सुना दोगे, जब तुम इसको रिवाइज करोगे बार बार। कैसे? अगर आप डेली बैठ के इसको रिवाइज करते हो ना, तो एक दिन में तुम्हें 2 घंटे लगेंगे नोट्स पढ़ने में, अगले दिन में तुम्हें 1.5 घंटे लगेंगे नोट्स पढ़ने में, फिर नेक्स्ट दिन वापस उसी नोट्स को रिवाइज करोगे तो 1 घंटा 25 मिनट लगेंगे, फिर नेक्स्ट दिन रिवाइज करोगे तो 1 घंटा लगेगा, फिर नेक्स्ट दिन रिवाइज करोगे तो फिर तुम्हारे पास उसको 50 मिनट लगेंगे, फिर नेक्स्ट दिन रिवाइज करोगे 45 मिनट, फिर नेक्स्ट दिन रिवाइज करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो तुम पेज पलटोगे केवल तुम्हें पूरा नोट्स याद होगा, वो कॉपी वहीं रखी होगी लेकिन पूरा नोट्स याद होगा। रिवीजन के लिए टाइम निकालना सीखो। बहुत बच्चों की ये आदत बहुत गंदी होती है कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पुराना सब्जेक्ट का रिवीजन कर ही नहीं रहे, तो उनको ये सब फियर डेवलप होना स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट बड़ा है, मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ ली अब याद कैसे रहेगी। अरे अगर तुम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो और उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करते चलोगे तो वो तुम्हारी माइंड के अंदर प्लेस हो जाएगा, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। रात में भी अगर कोई पूछेगा ना बेटा सोम सुनाओ, आप सुनाओगे अरे ये रहा होता ये होता ये होता होता ये होता ये खत्म, 15 मिनट के अंदर पूरी सोम का राग गा दोगे उसके सामने, ये ना राग पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऐसा हो जाएगा दिमाग में, ये रहा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा केवल, वो कास्टिंग होता है, कास्टिंग में ये होता है, मेटल कटिंग में ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, फॉर्मिंग में ये होता है, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसको रिपीटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट चल गया 1 महीने तक भूल गए फिर जो पढ़ा था उसको, ऐसा नहीं होता है। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको रिपीट करो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। पहले शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा रिपीट करने में, फिर धीरे धीरे वो टाइम कम होता चला जाएगा, फिर वो रिपीटेशन इतनी बार हो जाएगा ना कि सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा छोटा सा। सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, मीट इन द नेक्स्ट क्लासेस, तब तक ले बाय, गुड नाइट, आई होप यू अंडरस्टैंड, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं प्रेजेंट सिलेबस, टाइम निकालो यार, जस्ट गिव अ टाइम, डैम टाइम, 1 and 2 hours फॉर रिवीजन एंड फॉर रेस्ट आवर्स फॉर न्यू सब्जेक्ट और लर्निंग। गुड नाइट टू एवरीबॉडी, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, थैंक यू।